सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई समस्त देशवासियों को। हो गई है एक और नई वीडियो की शुरुआत, और वीडियो की शुरुआत हो रही है देहरादून शहर के घंटाघर से। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है तो कुछ इस तरीके से नज़ारे हैं देहरादून के घंटाघर के। तो फाइनली हम जा रहे हैं आज परेड ग्राउंड, जहाँ पे कि स्वतंत्र दिवस की झांकियाँ निकलेंगे और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे, नए प्रोग्राम्स। शाश्वत सुयश हो देश की भू उर्वरा, हर शब्द ज्योतिर कण बने, वरदान दो मां भारती, जो अग्नि भी फिरो तो मन फिरे, तुम तपो तपे धरा, हो विजय स्वयं धरा, तुम प्रबल प्रबुद्ध हो, समर सिंह प्रुद्ध हो, प्रलयम कर रुद्र हो, ज्ञान दीप शुद्ध हो, देश धर्म आन बान, मातृभूमि के विहान, जय जवान जय जवान जय जवान। जोरदार तालियां। बड़ी भव्य तौर पर यह परेड अलाइनमेंट पर अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है। यहां मध्य सच की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के देहरादून शहर से, जहाँ पे कि आज 15 अगस्त मनाया जा रहा है स्वतंत्र दिवस की, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। तो ऐसा कुछ सीन है परेड ग्राउंड का। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जी भी आ रखे हैं, तो काफ़ी भरा हुआ था आज यहाँ का स्टेडियम। तो दिखाते हैं बैक कैमरे से किसी और लोकेशन के साथ उत्तराखंड के परेड ग्राउंड को। वीर और शौर्य चक्र जैसे सम्मान भी सम्मिलित हैं। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वीर जवानों के नेतृत्व करता रहेंगे उप निरीक्षक मिथिलेश कुमार। दूसरा कंटिंजेंट अति विशेषता, जिनकी विशेषता है कि उच्च हिमालयी बैटल फील्ड में सबसे का कण कण समर्पित, मान अर्पित, गान अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती। मुख्यमंत्री जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मुख्यमंत्री जी द्वारा सबका हाथ मिलाकर अभिवादन एवं अभिवादन को स्वीकार करते माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ध्वजारोहण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करते हैं। Thank you.
हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, लोकसभा की टेरी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद श्रीमती माला लक्ष्मी शाह जी, मेयर देहरादून श्री सुनील उनियाल गामा जी, माननीय विधायक राजपूत आदरणीय खजानदास जी, हमारे मुख्य सचिव श्री डॉक्टर एस एस संधू जी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी, यह भी फैसला लिया है कि अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल हमारे उन सभी युवाओं पर लगे मुकदमे वापस ले जाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता बड़ी सहाय के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। अब आमंत्रित श्रीमती रेखा यादव, पुलिस अधीक्षक अपराध यातायात जनपद हरिद्वार। विशिष्ट कार्य के लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जा रहा है। आज पदक अलंकरण के पश्चात सादर आमंत्रित श्रीमती सरिता दोभाल अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद देहरादून, विशिष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक श्रीमती सरिता दोभाल, जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। और इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे श्री धीरेन्द्र सिंह चौहान, आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद हरिद्वार, आपको विशिष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। आईटीबीपी हरियाणा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षा दल एवं एनसीसी के कैडेट शामिल थे। आज की यह भव्य परेड हम सभी को एक संदेश दे रही है। तुम जगे जगा जहां, जाग उठा आसमान, तुम चले गगन चले, साथ हर सपन चले, जय जवान जय जवान। बड़ी भव्य साज सज्जा में बैंड आगे बढ़ता हुआ आज की मनमोहक प्रस्तुति खंड
इस खूबसूरत बैंड प्रस्तुति के बाद हम इस कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहते हैं। हम तो ऐसा कुछ सीन है आज का, तो फाइनली खत्म हो चुका है प्रोग्राम। सिंह राणा भी पहुंच चुका है नज़ारों का आनंद लेने। तो बाय, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो।